खबर अलवर से है, जहां कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए सरकारी अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर सरकार के साथ साथ कई भामाशाह भी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन मुहैया करा रहे हैं। इसी कड़ी में भामाशाहों की ओर से सामान्य चिकित्सालय के लिए 30,000 रुपए की सैनिटाइजर मशीन भेंट की गई। खाद बीज दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष नरेश गोयल ने इस पर बताया कि इससे पहले संघ की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपए की सहायता दी गई। इसके अलावा जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर और भोजन के पैकेट्स भी वितरित किए गए। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान समेत कई व्यक्ति मौजूद रहे। इस समय कोरोना महामारी से पूरा विश्व पूरी तरह जूझ रहा है और भारत में भी इस बीमारी ने बहुत अपने पैर पसार लिए हैं। इस संकट के समय अलवर जिला खाद की दवा विक्रेता संघ द्वारा लगातार 1 महीने से राशन वितरण, खाना वितरण और पीएम केयर में 51,000 रुपये का अनुष्ठान, सीएम केयर में 51,000 का अनुष्ठान, कलेक्टर केयर में 51,000 का अनुष्ठान व बहुत सारे और भी कार्य अलवर जिला खाद्य संघ द्वारा किए जा रहे हैं। इसी दौरान अलवर जनरल हॉस्पिटल से एक फॉगिंग मशीन की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, जिससे कि ऑपरेशन थिएटर को जब तक सैनिटाइज नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन होना संभव नहीं था। तो मैंने अलवर एग्रो कर्मचारी एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन से अनुरोध किया कि आप सब लोग मिलकर इस मशीन को हॉस्पिटल के लिए मंगाएं। उन लोगों ने हमारे आग्रह को स्वीकार करके और आज करीब 30,000 रुपये की ये फॉगिंग मशीन आज हमने जनरल हॉस्पिटल में पीएमओ श्री चौहान साहब को